बोल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाइएगा, क्लासेस का टाइम हो गया है। जैसा कि आपको पता था कि इस समय हम लोग ऑन शेड्यूल के अनुसार इंग्लिश देखने वाले हैं, तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रियंका कुमारी, उज्जवल, नीतीश, सीमा, सभी को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, उसके बाद सेशन को दिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है, स्पेशली ग्रामर में, ठीक है ना। मनीषा कुमारी, कोई मॉडरेटर है यहाँ पे? कोई मॉडरेटर यहाँ पे आया है, एक बार कंफर्म करो। क्लास को कंट्रोल सही से किया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ने वालों के लिए अलाउड रहता है, और जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उसी को अलाउड रहता है, ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश में, स्पेशली ग्रामर में, और उस सेशन का नाम है नंबर। नंबर कौन कौन पहले पढ़ चुके हो ये बताओ। सीमा कुमारी, फटाफट सभी लोग सब कमेंट करना। प्रियंका, सीमा, सभी का कमेंट देखा जा रहा है। अनूप रंजन, उज्जवल, जूही, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके सबसे पहले ज्वाइन कर लो क्लासेस के बाद, ठीक है, पेड कोर्स। और इसका जो है स्क्रीनशॉट, क्लासेस का जो नया स्टूडेंट है, क्लासेस का स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेना, सभी लोग क्लासेस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आर्मी, नूतन, आर्मी, फ्रूटी, सीमा, चलिए सभी को गुड इवनिंग। हाँ, सभी लोग क्लासेस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और बीच में जो है कोई क्लासेस डिस्टर्ब नहीं, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक सेकंड, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो स्पेशली आप लोगों के लिए जो ऑफर है, ऑफर के लिए बार बार बीच में मत पूछना कोई, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर लो। 499 में सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ये नंबर जो दिख रहा है, ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको बताना कि मुझे पेड कोर्स में ज्वाइन करना है। 499 रुपये में पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल रहा है, तो जा करके ज्वाइन कर लेना। बाकी चलते हम लोग आज का सेशन की ओर, बाकी आज का सेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, पूरा जूम नहीं है, प्लस, हाँ अब आ गया, ठीक है। थोड़ा और इसको जूम कर दूं ना तो और मजा आएगा। चलिए अब आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं ग्रामर में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सेशन देखने वाले हैं। अमित आर्मी, नेहा आर्मी, शफुगुला, शानवी, रामवृक्ष, नेहा, शिल्पी, सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से सुनना, आपको नंबर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पांच नंबर आपको पारा मेडिकल के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनना। ये स्पेशली आप लोगों के लिए, वैसे तो बेसिक चैप्टर है, और मैं शुरू से जीरो लेवल से हायर स्केल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तो नंबर को ध्यान से समझना, और इसका यूज जो है सेंटेंस में कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद ये सबसे पहले थ्योरी आपको करवा दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। जो पेड ग्रुप वाले जितने ज्वाइन है सभी को होमवर्क में दिया जाएगा, और उसको बना करके आपको टेलीग्राम में पर्सनली सेंड करना है। कल वाला क्लासेस का जो व्याकरण का सभी को दिया गया था, कौन कौन अभी सेंड किए थे, बहुत लोग सेंड किए थे, और कुछ कुछ लोग सेंड नहीं किए थे, सभी लोग सेंड किए थे कि नहीं, बना करके एक बार कन्फर्म करो। स्पेशली जो व्याकरण का आप लोग को दिया गया था, तो आप लोग में से कौन जो है सेंड नहीं किया था, कौन जो है सेंड नहीं किया था व्याकरण वाला, एक चीज बताओ। ठीक
ठीक है ना। व्याकरण वाला कौन सेंड नहीं किया था, सभी लोग सेंड किए थे, बहुत लोग सेंड किए थे, और मैक्सिमम का एक्यूरेट आंसर था, मैक्सिमम का आंसर देखे थे मैं, मैक्सिमम का एक्यूरेट आंसर था, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सना आर्मी, सना राज, हाँ बिल्कुल बहुत लोग किए थे, बहुत लोग किए थे, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करके सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम लोग आज ग्रामर में जो देखने वाले हैं, नंबर देखने वाले हैं। आज का सेशन क्या है जी, आज का सेशन नंबर है, नंबर, ठीक है। आज का सेशन हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर। नंबर कहने का मतलब, नंबर ही मतलब ही होता है वचन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण जब पढ़ाऊंगा उसमें इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वचन बोला जाता है। नंबर का मतलब ही होता है वचन। कौन वचन है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लुरल नंबर है, यानी एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सर दो नहीं बना था, चलिए उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, पेड ग्रुप में वहां पर मिल लेना, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, नंबर देखने वाले हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल का कॉन्सेप्ट होता है, नंबर में सिंगुलर और प्लुरल का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर कहने का मतलब एक का बोध होता है, सिंगुलर कहने का मतलब एक का, एक बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, एक सेकंड देख, हेलो, हाँ जी, उस नंबर जो और जो नंबर दिया गया ना 85 44 61 53 52 उस पर कॉल करो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ नंबर देख रहे हैं। तो नंबर में जो सिंगुलर एक प्लुरल नंबर होता है, जैसे सिंगुलर कहने का मतलब सिंगल का बोध होता है, प्लुरल कहने का मतलब एक से ज़्यादा का बोध होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा का बोध होता है। सर पीडीएफ मुझे नहीं मिलता है, सारा का पीडीएफ मिलता है जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हुए, ठीक है। चलिएगा देखो, गुलाब का फूल है, अब तुम लोग ये बताओ कि कौन कौन बच्चा एक गुलाब से ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, कौन कौन बच्चा गुलाब से ज़्यादा आकर्षित हो रहा है ये बताओ। ये गुलाब देख कर कुछ मन में कुछ उबाल आ रहा है क्या जी, बहुत लोग जो है, बहुत लोग को हंसी भी मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग हंस भी रहे हो। अरे टेंशन मत लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, दो महीने के बाद वो सब ध्यान देना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर गुलाब का कलर बहुत अच्छा है। चलो नंबर का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लाया गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और भी मज़ा आएगा, जूम हो जाएगा तो, अब और मजा आएगा, अब पढ़ने में और मजा आएगा। चलिए जूम हो गया आप लोगों के लिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अभी देखने वाले नंबर यानी वचन देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग वैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा, वचन जो है ना आपको संज्ञा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वचन जो है संज्ञा के दृष्टिकोण से दो पार्ट में, सर इंग्लिश का होमवर्क कहाँ था, इंग्लिश का होमवर्क आज मिलेगा, ये क्लासेस के बाद इंग्लिश का होमवर्क मिलेगा, ठीक है, ये क्लासेस के बाद इंग्लिश का होमवर्क मिलेगा, ये क्लासेस के बाद इंग्लिश का होमवर्क मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नाउन जो है, यहाँ पे नाउन में अगर देखा जाए नंबर की बात करते हैं तो नंबर यानी वचन जो होता है दो टाइप्स का वचन होता है, हम लोग को दो टाइप्स का जनरली पढ़ना है। पहला होता है सिंगुलर वचन, यानी कहने का मतलब सिंगुलर नंबर, एक वचन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वह संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें किसी एक वस्तु का बोध हो या एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग सिंगुलर नंबर यानी एक वचन बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ए नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन, इज नोन एज सिंगुलर नाउन, ए नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और ए थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन, यानी कहने का मतलब वह संज्ञा जिसे किसी एक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसे हम लोग एक वचन बोलते हैं। समझ में आ गया। सारा नोट्स जो है ना स्पेशली आप लोगों के लिए मेहनत करके वैसे वैसे से पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है ना, जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको हिंदी में आपको बताया गया था, हिंदी में कल आपको क्लासेस करवाया गया था, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ऑक्स हो गया, ट्री हो गया, मैन हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन का बोध कर रहा है, ठीक है। एक वचन सभी के भेजा में घुस गया, और मैं ऐसा इंग्लिश पढ़ाऊंगा
किस प्रत्येक स्टूडेंट के भेजा में घुसेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो स्टडी इंडिया अड्डा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलिए जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करके 100+ लाइव में लाया करो, मिनिमम 100+ लाइव में आया करो, ठीक है ना, तब और मजा आएगा। सारा पॉइंट वैसे वैसे पॉइंट को इंक्लूड करके टाइप करवाया गया है ना, जो कि स्पेशली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बात आता है प्लूरल नंबर। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगला आता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। बहुवचन किसको बोलते हैं जी? ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज नोन एज, वन पर्सन नहीं, मोर देन वन पर्सन होगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मोर देन वन पर्सन, यानी कहने का मतलब वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक वस्तु या फिर पर्सन का बोध होता है उसको। सर मैथ के सर जी, मैथ का आपको इसके बाद 8 बजे मिलने वाला है, शेड्यूल देखते नहीं हो अभिमन्यु, शेड्यूल को देखा करो, ठीक है। यहाँ पे सारा क्लासेज आपको शेड्यूल के अनुसार चल रहा है, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। बहुवचन किसको बोलते हैं? वैसी संज्ञा जिसमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बॉय क्या हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया, और उसमें अगर एस जोड़ देते हैं यानी बॉयज कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। गर्ल क्या है? सिंगुलर नंबर है, और उसमें एस जोड़ दें, गर्ल्स जो हो गया आपका बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया। समझ में आ गया? कुमारी संगम, ये सर आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है, बिल्कुल सारा का भेजा में समझ घुस जाएगा, टेंशन मत लेना। इंग्लिश को बहुत लोग जो है ना, बिहार के लोग हम लोग हैं तो बहुत लोग बोलते हैं सर हिंदी तो बहुत मजा आता है, इंग्लिश में कन्फ्यूजन। अरे इंग्लिश में कन्फ्यूजन मत रखना, इंग्लिश हिंदी जीके सब के लिए ऑलराउंडर में हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे डायरेक्ट कॉल करना, क्योंकि हर स्टूडेंट का ऐसे इजी वे में समझाने का मेहनत करता हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए मुझे 3 क्लास रेगुलर लेना होता है। 3 क्लास के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली कम से कम मुझे 3 घंटा मिनिमम, 3 से 4 घंटा समय देना पड़ता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब एक से अधिक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन बोलते हैं, यानी मोर देन वन पर्सन और अ थिंग इज नोन एज प्लूरल नंबर, ठीक है। जिसमें क्या हो गया? बॉयज सिंगुलर हो गया, तो बॉयज सिंगुलर तो बॉयज क्या हो गया? एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो गया। उसी तरीके से गर्ल सिंगुलर है तो उसमें एस लगा देंगे तो गर्ल्स आपका प्लूरल हो गया। अब रूल हम लोग देखते हैं कैसे हमको एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या होता है जो एग्जाम में छपता है वो लास्ट में करवाऊंगा, इसलिए कोई बीच में छोड़ करके मत जाना, ठीक है। सर अभिमन्यु सर, हम जैसे बोले हैं मैथ बहुत दिमाग में घुस जाता, वैसे इंग्लिश में घुसेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो पहला केस हम लोग देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो। बहुवचन बनाते समय एक वचन जो संज्ञा है ना उसमें एस लगा देते, सिंपल भाषा खोपड़ी में घुसाओ, जो भी संज्ञा है जो सिंगुलर नंबर है किसी एक का बोध कर रहा है उसमें एस लगा करके उसे प्लूरल नंबर यानी बहुवचन बना देते हैं। कैसे बनाते हैं जी? कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना, जैसे बॉय क्या है आपका? बॉय क्या है ध्यान से सुनना, बॉय सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना रहेगा तो आप क्या करोगे? एस लगा दोगे। कहाँ पे ईएस लगता है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस लगता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके हर उन फैमिली फ्रेंड, हर उन दोस्त, हर उन अपने जानने वाला पहचानने वाला जो निजी है करीबी है, हर तक वीडियो पहुंचाओ, हर स्टूडेंट, हर उन लोग तक पहुंचाओ जो घर में रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है ना, तब और मजा आएगा। चलिए, चेयर क्या है? चेयर आपका सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दोगे? उसमें एस लगा करके चेयर्स कर दोगे। काउ क्या है? काउ मतलब एक गाय का बोध कर रहा है, उसको प्लूरल बनाने के लिए काउज हो जाएगा, एस लगा देंगे प्लूरल हो जाएगा। उसी तरीका से पूजा गुप्ता, जब आपको ये आता है तो वेट कीजिए, क्योंकि आपको आता है और आपके दोस्त को नहीं आता है, तो उसको समझना जरूरी है ना, सिर्फ एक बच्चे को देख करके नहीं चलना है, सभी को देख के चलना है। पेन आपका, आपको पता है कि यहाँ पे बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन एबीसीडी नहीं करवाया जाता है। पेन आपका क्या है? सिंगुलर है,
इसको पेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, यानी प्लुरल हो जाएगा। उसी तरीका से टेबल में टेबल्स कर देंगे तो टेबल सिंगुलर है प्लुरल बनेंगे तो टेबल्स कर देंगे, कार सिंगुलर है कार्स कर देंगे तो प्लुरल हो जाएगा। यानी एस लगा करके सिंगुलर में एस जहां लग गया वो प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल की ओर मूव ऑन करते हैं, अगला रूल की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ, अगला रूल आपको क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। अगला रूल आपको बोलता है कि यदि एक वचन संज्ञा के अंत में एस या एसएच या सीएच या एक्स या ओ हो तो वो बहुवचन बनाते समय एस लगा देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 के पेपर में एसएच से क्वेश्चन डायरेक्ट छपा था बिहार पैरामेडिकल। आप में से कोई बच्चा दिया होगा तो याद होना चाहिए, ध्यान से सुनना। यहां पे 2020 के बिहार का पेपर में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था एसएच करके, ठीक है ना, सिंगुलर से प्लुरल वाला में, ठीक है, सेंटेंस देकर के पूछा गया था। कैसे होगा ध्यान से सुनना, कोई भी एक वचन संज्ञा सिंगुलर नंबर जो संज्ञा रहेगा ना उसके अंत में अगर एस लगा हुआ रहे, ध्यान से सुनना, अगर एस लगा हुआ रहे, एसएच लगा हुआ रहे, सीएच लगा हुआ रहे, एक्स लगा हुआ रहे, ओ लगा हुआ रहे, तो इसको बहुवचन बनाने का एक ही ट्रिक और सिर्फ एक ट्रिक है कि उसमें ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे जी, मेरे साथ सभी लोग बोलते चलिएगा, सभी लोग मेरे साथ बोलते चलना है तभी भेजा में घुसेगा। वीडियो को 100+ लाइक करो फटाफट, ठीक है, उसमें एसएच जोड़ ईएस जोड़ेंगे, यानी सिंगुलर बस क्या है, बस में एस यानी सिंगुलर है। बहुत लोग बोल देगा कि सर एस लगा हुआ तो ये तो प्लुरल हो गया, नहीं बच्चे ये सिंगुलर है, बस मतलब एक बस की बात कर रहा है, इसको प्लुरल बनाने के लिए बसेस ईएस जोड़ेंगे, बस में ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। डिस में एसएच लगा हुआ है लास्ट में, इसको प्लुरल बनाओगे तो क्या करोगे, ईएस जोड़ दोगे। ब्रांच आपका सिंगुलर है, ठीक है, उसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करोगे, ईएस जोड़ दोगे, यानी कहने का मतलब ब्रांचेज हो जाएगा। बॉक्स डब्बा की बात कर रहा है, डब्बा क्या है, बॉक्स, एक्स लगा हुआ है, एक्स आपका सिंगुलर है, प्लुरल बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें बॉक्सेस ईएस जोड़ दोगे। टोमैटो, टोमैटो हो गया ना टमाटर, टमाटर टोमेटो आपका क्या है, लास्ट में वो लगा हुआ है, ये क्या है, टोमेटो आपका सिंगुलर है, प्लुरल करने के लिए टोमेटोज ईएस जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करके फटाफट हर ग्रुप में शेयर करो। प्रत्येक स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 फ्रेंड के पास सेंड करेगा, ठीक है। उसी तरीका से ग्लास हो गया, ग्लास में एस लगा हुआ है, इसको प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस ईएस उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल आप लोगों के सामने, देखो काफी मेहनत करके ये पीडीएफ आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी किया हूं। इस सिर्फ पीडीएफ बनाने में मुझे कम से कम 2.5 घंटा लग गया था टाइपिंग ओपन करने के लिए। सारा जो है कंटेंट आपको वैसा कंटेंट लाया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज को स्पेशली मैच करना। चलो तो रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल नंबर थर्ड बच्चों वो बोलता है, ध्यान से सुनना, अंजनी कुमार सर मेरा एक फ्रेंड रुपया से एडमिशन करा लिया। ध्यान से सुनना, एक बहुवचन संज्ञा जिसके अंत में ओ लगा हुआ रहे, अगर ओ लगा हुआ रहे कोई भी सिंगुलर नाउन में, अगर ओ लगा हुआ रहे गोल का ओ लगा हुआ रहे तो उसको अगर प्लुरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं जी, एस सिर्फ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। जैसे देखो डायनेमो सिंगुलर है, लास्ट में वो है, इसको प्लुरल बनाओगे तो डायनेमोज एस जो हो जाएगा, ठीक है। फोटो आपका सिंगुलर है, अगर इसको प्लुरल बनाना है तो उसमें एस जोड़ दो, फोटोज आपका, फोटो क्या हो गया, फोटोज प्लुरल हो गया। किलो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे बोलते हो ना, किलो सिंगुलर होता है, प्लुरल बनाओगे तो वो किलोज हो जाएगा, उसमें एस जोड़ देते हैं। और सोलोज हो जाएगा, रेशियो में ओ है, रेशियो को अगर बनाओगे तो रेशियोज हो जाएगा, लोगो यानी लोगोज हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा, रूल नंबर फोर की ओर मोहन करो। यदि एक वचन
एक बच्चा पिछली बार बोल रहा था सर इंग्लिश में प्रत्येक भेजा में मेरा घुस गया था। अरे कैसे नहीं घुसेगा, मेहनत किया हुआ कंटेंट सब रहता है, ठीक है। चलो यदि एक वचन संज्ञा के अंत में अगर वाई लगा हुआ रहे, अगर वाई लगा हुआ रहे तो प्लुरल बनाते समय वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जिस भी वर्ड के सिंगुलर वर्ड में अगर वाई लगा हुआ रहे तो जब प्लुरल बनाओगे तो वाई के जगह पे आई कर देंगे, ठीक है। वाई को आई में बदल करके फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें ईएस जोड़ देंगे, ठीक है, फिर इसमें ईएस जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यदि वाई से पहले कोई वॉवेल रहे, ध्यान से सुनना, कोई भी वर्ड में वाई से पहले, प्रीति कुमारी सर हमको नहीं आता है सर, हम बिहार बोर्ड का स्टूडेंट थे, ठीक है, तो वही तो मैं इसीलिए तो हर किसी का यहां पर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, वही चीज ध्यान से सुनना। अगर कोई वाई कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में रहे उससे पहले अगर कोई वॉवेल रहे, वॉवेल तो पता है ना कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कोई भी वॉवेल रहे तो बहुवचन बनाते समय एस जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। कब स्टार्ट हो गया है मुझे पता भी नहीं चला, नीलम कुमारी क्लास में लेट आती हो तो कैसे पता चलेगा। ध्यान से सुनना, फोर्थ नंबर पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीए लगा लेना, नोट्स बनाते समय सारा जो है ना इस चीज को ध्यान देना, ध्यान से सुनना। मनीषा कुमारी सर आप इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आ जाता है, देखो ध्यान से सुनना, देखो कोई भी सिंगुलर नंबर अगर रहे उसके अंत में वाई लगा हुआ रहे तो उसको प्लुरल बनाते समय वाई के जगह पे आई लगा करके उसके बाद ईएस जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बेबी बी ए बी वाई, बेबी में लास्ट में वाई है, प्लुरल बनाओगे तो वाई हटा देंगे, वाई के जगह आई जोड़ देंगे और उसमें ईएस लगा देंगे, आपको बेबीज हो जाएगा, प्लुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो आपको प्लुरल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक रूल है जो रुकावट पैदा कर रहा है। क्या रुकावट पैदा कर रहा है जी, कोई भी सिंगुलर नंबर के लास्ट में वाई रहे, अगर वाई से तुरंत पहले अगर कोई भी वॉवेल रहे, वॉवेल कहने का मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू कुछ भी वॉवेल रहे, तब उसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वाई जोड़ देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एस जोड़ दोगे तो वो प्लुरल हो जाएगा। समझ में आ गया, भेजा में घुस गया, तो बेबी आपका लास्ट में वाई है तो इसको प्लुरल बनाओगे तो वाई की जगह आई हटा के बेबीज हो जाएगा। सीटी आपका प्लुरल है, सिंगुलर है तो इसको प्लुरल कन्वर्ट करोगे तो वाई हटा के आई कर दोगे तो सीटीज हो जाएगा। डी ए वाई डे आ गया, अब बताओ डी ए वाई डे आ गया तो वाई तो है ही, इससे पहले तुरंत पहले क्या है, एक वॉवेल है, कौन वॉवेल है जी, ए वॉवेल है, तब इसको प्लुरल कैसे बनाओगे, ए वॉवेल है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें एस जोड़ देना, क्या ऐड करोगे, सिर्फ एस ऐड करोगे, यानी डे में को प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। आर्मी को प्लुरल बनाओगे तो वाई के जगह वाई हटा करके आई लगा दो और एस जोड़ दो, आपका आर्मीज हो जाएगा। भेजा में घुस गया, खोपड़ी में घुस गया, तो एक बार कंफर्म करो खोपड़ी में सबको घुस रहा है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करके 100 लाइक पहुंचाओ, लाइव में 100 बच्चा साथ में आना चाहिए, ठीक है। चलो वही स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी के प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टोरी एस टी ओ आर वाई, इससे पहले कोई वॉवेल है नहीं तो वाई को हटा करके आई को ऐड करके वाई के जगह आई कर देंगे और उसमें ईएस जोड़ देंगे, यानी स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब एग्जाम्पल जरा, बहुत मेहनत करके ये सब कंटेंट बनाया जाता है बच्चों, रात को कम से कम 3 बज जाता है आप लोग सिर्फ कंटेंट, एक दिन क्लास लेने के लिए एक दिन में 3 क्लास लेते हैं ना, तो आपको सारा कंटेंट तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक वचन संज्ञा के अंत में अगर एफ लगा हुआ रहे, कोई भी वर्ड में सिंगुलर नंबर में अगर एफ लगा हुआ रहे, और देखो हिंदी में इसीलिए लिख दिया हूँ सामने ना, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसीलिए हिंदी में लिख दिया हूं ताकि प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए, एक बार पीडीएफ को पढ़ लोगे आप प्रत्येक भेजा में घुस जाएगा।
चलो अगर यदि किसी संज्ञा के अंत में एफ या एफ ही लगा रहे उसको अगर प्लुरल बनाते हैं तो एफ या एफ ही को भी में बदल करके एफ या एफ ही के जगह भी कर देंगे और एस या एस लगा देंगे। क्या करेंगे? एस या एस लगा देंगे। ठीक है, एस या एस लगा, सर हमको कैसे पता चलेगा? एस या एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे थीप हो गया, लास्ट में एफ है, उसको प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? उसको प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एफ को हटा देंगे, उसके जगह क्या कर देंगे? भी लगा देंगे, ई एस जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब थीप को थीप्स हो जाएगा। वाइफ है, वाइफ का प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट तुमसे पूछ देगा वाइफ का प्लुरल बना दो तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर अगर वाइफ्स बोल देता है, अरे वाइफ्स में एफ हट जाएगा, एफ रिमूव हो जाएगा, एफ की जगह भी आ जाएगा, उसमें ई एस जुड़ जाएगा, यानी वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, वाइफ्स हो जाएगा यानी डब्ल्यू आई भी ई एस हो जाएगा। एग्जैक्ट यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट यही करेक्ट आंसर होगा। चलो वही अगर काफ यहाँ पे नाइफ की बात करते हैं, नाइफ के अगर प्लुरल बनाओगे तो एफ ई है तो इसमें से एफ हट जाएगा और इसके जगह एफ एफ ही है ना, देखो एफ ही है, एफ ही के जगह ई एस जोड़ देंगे यानी नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है अहमनु सर, कैसे पता चलेगा एस या एस लगे आएंगे? वही तो ये रूल बता रहे हैं बच्चे, वही तो रूल बता रहे हैं कि जिसमें जो कोई भी सिंगुलर वर्ड में अगर एफ लगा रहे तो एफ को हटा करके भी लगा देंगे और उसके जगह एस लगा करके प्लुरल बना देंगे, और कोई भी वर्ड सिंगुलर वर्ड में अगर एफ ई लगा रहे लास्ट में तो उसको एफ ई को हटा करके भी जोड़ देंगे और उसके जगह ई एस लगा देंगे। समझ में आ गया? चलो रूल नंबर सिक्स की ओर मोहन करो। रूल नंबर सिक्स क्या बोलता है? कुछ एक वचन संज्ञाओं में अगर वोवेल को बदल देते हैं, जैसे देखो कुछ ऐसा भी वर्ड रहता है ना जिसमें, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आ गया कि एक बहुवचन संज्ञा में अगर वोवेल आता है तो उसको बदल देते हैं। ठीक है, कुछ एक वचन संज्ञा में आए वोवेल को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं जी? ध्यान से सुनना, मैन है, मैन का अगर प्लुरल बनाओगे तो ए हट के ई हो जाएगा यानी मीन हो जाएगा। ठीक है, टूथ है, टूथ का प्लुरल बनाओगे, सर 2020 में मेरा ऐसा क्वेश्चन नहीं बना था। अरे पढ़ोगे तब तो बनेगा, और पिछली बार ऐसा इस क्वेश्चन से मतलब तीन ऐसी लड़कियां थी ना जो डायरेक्ट बोली थी सर सेम पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल में दिए थे ना, जो पीडीएफ में दिए थे एकदम सेम टू सेम आ गया था एग्जाम्पल वाला। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। तूथ वाला क्या हो जाएगा? तूथ को अगर करवाओगे तो तीत हो जाएगा, और ज्यादा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है। गुज का पोलोल क्या हो जाएगा? डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ली में, यानी गीज हो जाएगा। ठीक है, फुट को फिट हो जाएगा, लॉज को लीज हो जाएगा, मैन सिंगर को मेन सिंगर हो जाएगा। मैन सिंगर, मैन का मीन होता है पोलोल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलो अगला को हम लोग रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल है, एक वचन संज्ञा के अंत में ईएन लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे कुछ ये सब एग्जांपल है, ये सब आपको जो है ना कुछ कुछ जो इंक्लूड किया हो ना, ये थोड़ा सा जो है जैसे यहाँ पे अपवाद जो जानते हो ना, एक्सेप्शन, उसी टाइप को, उससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, क्योंकि जनरल रूल तो हर किसी को पता है, एक्सेप्शन वाला ज़्यादा उठाता है। जैसे देखो, ऑक्स को अगर प्लुरल बनाओगे तो ऑक्शन हो जाएगा, चाइल्ड को प्लुरल बनाओगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त रूप से अंत में, ध्यान से सुनना, जैसे देखो संक्षिप्त रूप से अंत में अगर एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं, जैसे देखो कुछ जो एब्रिविएशन जो होता है संक्षिप्त रूप देता है ना, जैसे यहां पे दे दिया हाँ, जैसे दे देगा यहां पे सीएम चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और एमपी। ठीक है, ये सब जो हो गया जितना भी वर्ड है ना, ये जितना भी वर्ड है ना, इसको क्या कर पाओगे? इसको अगर कोई भी एब्रिविएशन फुल फॉर्म वाला को अगर प्लुरल बनाओगे तो सिर्फ एस लगा देना। कोई भी फुल फॉर्म को अगर प्लुरल बनाना है तो एस लगा देना, इसको वीवे लगा कर स्टार मार्क करो, सब लोग वीवे लगा कर स्टार मार्क करो। जैसे एमएलए हो गया, एमएलए को अगर प्लुरल बनाना तो एमएलए में एस जोड़ देते हैं, वीआईपी को प्लुरल बनाते हैं तो लास्ट में एस जोड़ देंगे तो प्लुरल हो जाएगा। वीआईपी आपका सिंगुलर है, सीएम आपका सिंगुलर है, एमपी आपका सिंगुलर है, जो भी एब्रिविएशन है वो अपने आप में सिंगुलर है, उसको प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ संज्ञाओं के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। ठीक है, कुछ संज्ञा का एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट
हो गया, कूड हो गया, स्कोर हो गया, ये सब जितना है ना, एयरक्राफ्ट का जो है बहुवचन एयरक्राफ्ट हो जाएगा, कोड का एयर बहुवचन कोडे हो जाएगा, स्कोर का बहुवचन स्कोरे हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग स्कोर में कंफ्यूज जाते हैं कि स्कोर का बहुवचन स्कोर में ई एस जोड़ देंगे तो होता नहीं, गलत हो जाएगा। स्कोर का बहुवचन स्कोर ही होता है, स्वाइन का बहुवचन स्वाइन ही होता है, सीप का बहुवचन सीप होता है, डजन का बहुवचन ऑलरेडी डजन होता है, ठीक है, मिलियन का बहुवचन मिलियन होता है, पेयर का बहुवचन पेयर होता है। ये आपका कुछ आप जो है ना एक्सेप्शन में, इसको भी स्टार मार्क करो सभी लोग, स्टार मार्क कर लेना सभी लोग। अगला रूल देखते हैं, कुछ संज्ञा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाई जाती है, ये इससे उतना नहीं पूछेगा। जैसे कुछ जो संज्ञा होता है ना ऑलरेडी बहुवचन होता है, जैसे ये सब देखो ऑलरेडी बहुवचन है। 11 नंबर पॉइंट पे आओ, कुछ संज्ञाएं बहुवचन के रूप में होते हुए भी एक वचन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है तुम ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, फिजिक्स क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है बताना सभी लोग, फिजिक्स बताना सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है। वीडियो को लाइक करो फटाफट से लोग, 100 लाइक्स होना चाहिए लाइव में मिनिमम। फिजिक्स क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है, फिजिक्स क्या है फटाफट बताना, सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है। फिजिक्स आपका ऑलरेडी सिंगुलर नंबर है, कुछ बहुवचन के रूप में दिखता है, जैसे फिजिक्स में एस लगा हुआ तो बहुवचन, बहुत लोग बोल देता बहुवचन है, लेकिन बच्चों वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है ना, वो एक वचन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे इनिंग हो गया, ये सब एक वचन है, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बताओ, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जो है ना एक वचन में होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कटल हो गया, पीपल हो गया, पॉपुलरिटी हो गया, जेंटली हो गया, ये सब, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पे आओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करो सभी लोग, सभी स्टूडेंट स्टार मार्क करना। देखो कुछ संज्ञा जो होती है, कुछ नाउन होती है ना, वो एक वचन में एक अर्थ होता है, लेकिन बहुवचन में उसका डबल मीनिंग हो जाता है, बहुवचन में डबल मीनिंग हो जाता है। जैसे ध्यान से सुनना, मैं आपको आर्म बताया, आर्म का मतलब बाह होता है, आर्म का मतलब बाह होता है, ठीक है, ये सिंगुलर नंबर है। अगर आर्म को प्लुरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आर्म को प्लुरल बनाओगे तो उसमें सिर्फ एस जुट जाएगा, यानी आर्म्स हो जाएगा। आर्म्स का डबल मीनिंग क्या क्या होता है, एक तो होता है बाह और दूसरा शस्त्र होता है, दूसरा शस्त्र होता है, एक बाह होता है, दूसरा शस्त्र होता है। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे भी संज्ञा है, कुछ ऐसे भी नाउन है जिसका सिंगुलर नंबर में एक मीनिंग होता है और उसी को अगर प्लुरल नंबर बना देते हैं उसका डबल मीनिंग हो जाता है। जैसे आर्म मतलब बाह हो गया, ये तो सिंगुलर नंबर हो गया, अगर आर्म्स बोल देते हैं तो आर्म्स मतलब एक बाह होता है, दूसरा शस्त्र होता है। कलर का मतलब रंग होता है, कलर सिंगुलर नंबर में है, उसी को अगर प्लुरल बना दोगे तो कलर्स हो जाएगा, कलर्स का मतलब रंग होता है और झंडा होता है, कलर्स का मतलब रंग और झंडा दोनों होता है। वेरी गुड, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करो। मैनर, मैनर का मतलब तरीका होता है, अगर वही मैनर का तरीका होता है तो मैनर्स आपका प्लुरल वचन हो गया, ठीक है ना, प्लुरल नंबर हो गया, तो मैनर्स मतलब तरीका भी हो गया और शिष्टाचार भी हो गया, समझ में आ रहा है, तरीका भी हो गया और शिष्टाचार भी हो गया। कस्टम मतलब प्रथा होता है, कस्टम्स मतलब प्रथाएं होता है और आयात शुल्क होता है। पेन मतलब एक दर्द होता है, ठीक है, शिव शंकर कुमार आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, देखो पेन मतलब दर्द होता है और वही अगर पेंस हो गया, प्लुरल नंबर हो गया तो दर्द भी हो जाएगा और प्रवाह भी हो जाएगा, उसका डबल मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टार मार्क कर लेना, जितना स्टार मार्क देना इससे एग्जाम्पल में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो उसी तरीका से लेटर हो गया, लेटर मतलब अक्षर पत्र हो गया, ये सब देख लेना। आते हैं हम लोग 14 नंबर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ध्यान से देखते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना सभी लोग, थोड़ा सा इधर कर दूं, हाँ इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ संज्ञा के एक वचन के रूप में दो अर्थ होते हैं और बहुवचन के रूप में एक अर्थ होते हैं। देखो जो अभी इससे पहले वाला पॉइंट देखे, जस्ट अपोजिट, जस्ट विपरीत है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं
जो सिंगुलर में दो उसका मीनिंग होता है और प्लुरल में एक मीनिंग होता है। इससे पहले हम लोग क्या देखे, सिंगुलर में एक मीनिंग, प्लुरल में डबल मीनिंग। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा भी वर्ड होते हैं एक्सेप्शन वर्ड जिसमें सिंगुलर में डबल मीनिंग होते हैं, प्लुरल में एक मीनिंग होता है। जैसे आप देखो, लाइट मतलब हो जाएगा प्रकाश। लाइट मतलब क्या जानते हो, प्रकाश या लैंप बोला जाता है। लाइट मतलब प्रकाश या लैंप बोला जाता है। अगर लाइट्स बोल दोगे उसमें एस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ लैंप होता है, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सिंगुलर है। प्रैक्टिस मतलब आदत होता है या फिर व्यायाम करना, प्रैक्टिस करने चलो, चलो बच्चों जॉगिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी कहने का मतलब एक आदत भी है और एक व्यायाम है। अगर प्रैक्टिसेस उसको अगर कर देते बहुवचन ये जोड़ देते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा। पूजा कुमारी सर कल एंटोनिम और सैनोनिम बताएगा। देखो कल का सिलेबस में आपका रहेगा तब ना इंग्लिश, कल का शेड्यूल में इंग्लिश थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 15 पे आते हैं। हाँ ध्यान से देखना, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होता है। जैसे कोई भी भाववाचक, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। अब मैं आपको बोला ना कि एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, एक्सेप्शन से ज़्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा का कोई भी बहुवचन नहीं होता, जैसे होप हो गया, होप तो इसको अगर प्लुरल बहुवचन बनाओगे, प्लुरल नंबर बनाओगे तो कोई इसका बहुवचन नहीं होगा। होप हो गया, चैरिटी हो गया, काइंडनेस हो गया, डेथ हो गया, ये सब का बहुवचन नहीं होता है। ये सब क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, इसका बहुवचन नहीं होता है। चलिए, लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात है, परंतु अगर इस इनके बहुवचन के रूप में अगर प्रयुक्त करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग में लेते हैं। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस भी एक भाववाचक संज्ञा है। काइंडनेस मतलब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। कहने का मतलब काइंडनेस मतलब दयालुता, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। चलो और हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट, 16 नंबर पॉइंट ध्यान से देखना, धातु का कोई भी बहुवचन नहीं होता। ध्यान से सुनना सभी लोग, धातु का कोई भी बहुवचन नहीं होता। जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, वुड हो गया, ये सब जितना भी है ना, जितना भी मेटल है, ये सभी का किसी का बहुवचन नहीं होता। धातु हो गया, जितना भी मेटल है, मेटल का कोई भी बहुवचन नहीं होता। जैसे कॉपर, टीन, वुड, ये सभी का बहुवचन नहीं होता, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, जितना भी मैं एग्जांपल वाला जो इंक्लूड किया हूँ ना, उस जो आपको स्पेशली जो एक्सेप्शन वाला केस है उस सबको हर चीज़ में याद कर लेना। ईमानदारी, हाँ पूजा कुमार, ईमानदारी भी हो गया, काइंडनेस भी हो गया, ठीक है ना, लव हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपको भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है। लेकिन धातु का ध्यान से सुनना, धातु का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, वुड हो गया, लेकिन अगर इसे बहुवचन बनाना है, बहुवचन में प्रयोग करना है तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। जैसे वुड्स हो गया, वुड्स मतलब लकड़ी हो गया, ये जाति की बात कर रहा है, ये फॉरेस्ट का ही पार्ट है ना। कॉपर क्या होगा, कॉपर, कॉपर एक हो गया, कॉपर क्वाइन या फिर रॉड हो गया, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट को समझना काफी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट को समझना, इसको सभी लोग स्टार मार्क कर लेना। आप पोस्ट ऑफिस एस वाला है ना जी, जितना स्टार 5 स्टार दे दो सभी लोग, 5 स्टार इसको दो सभी लोग, सबसे पहले 5 स्टार। सारा पीडीएफ आपको ध्यान से सुनना, पेड ग्रुप में आपको अपलोड हो जाता है पीडीएफ को। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद बस 15 मिनट समय देना, एक बार ओवरव्यू कर लेना, सारा खोपड़िया में घुस जाएगा, सारा खोपड़िया में घुस जाएगा, ठीक है। देखो, अक्षर तथा अंक में बहुवचन बनाते संबंध संबंधवाचक चिन्ह यानी अपोस्ट्रोफी शेष लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी शेष लगाते हैं। जैसे देखो, अगर कोई एग्जांपल बोल रहा है द स्कूल स्टार्टेड इन 20, अगर यहां पे बोल देगा द स्कूल स्टार्टेड इन 20s, तो यहां पे अपोस्ट्रोफी शेष एस, यहां पे ऐसे हो जाएगा 20s, ये आपका अपोस्ट्रोफी शेष लग गया। अपोस्ट्रोफी शेष आपको कॉमा देकर के एस लगता है, उसको अपोस्ट्रोफी शेष बोलते हैं। जैसे 1920 व 29 के बीच में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ है, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे दिस स्कूल स्टार्टेड इन 20s, अपोस्ट्रोफी शेष यूज कर सकते हो। और दो बार चार व तीन बार पाँच जोड़ो, यानी कहने का मतलब 2 बार 4 और 3 बार 5 जोड़ो, इसका मतलब हो गया एड 2/4 and 3/5, ठीक है, ये प्रॉपर सेंटेंस हो गया। अगर कोई बोलता है ना 2 बार 4 और 3 बार 5 को जोड़ो, इसको अगर इंग्लिश में करोगे तो क्या हो जाएगा, एड 2/4
एंड थ्री एंड फिफ्थ, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्टार मार कर लेना आप पोस्ट ऑफिस इस वाला। अब जो है हम लोग रूल पूरा कंप्लीट हो गया, अभी आप लोग को 8 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, 10 क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो गए तो वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करके 100+ लाइक करो, उसके बाद क्वेश्चन को मोहन करते हैं, उसके बाद सभी लोग जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होगा पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा, अपलोड करने के बाद आपको जो है उसको बनाना है पेन पे अब कॉपी पे और उसको जो है ना पेड ग्रुप में सेंड करना, तभी तो खोपड़िया में पूरा 100% घुसेगा, तभी तो खोपड़िया में 100% घुसेगा। रेडी हो गए तो बता दो, रेडी हैं सर जी, ओ काजल, प्रियंका, फ्रूटी, सब लोग रेडी हो गए हैं, सब लोग रेडी हो गए तो कन्फर्म करो। चलो क्वेश्चन को मोहन करते हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सारा रूल रेगुलेशन देख लिए हैं, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन की ओर, तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन को। हाँ, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन आपको बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग जो देखो 9 क्वेश्चन को बनाना है, और उसके बाद ये 10 से 15 यानी 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताना, फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना, माई रिवन वॉज ब्लोन ऑफ ए एयर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या चेंजेज हो सकता है, सिंगुलर और प्लुरल का चेंजेज करना है, बताना सभी लोग। माई रिवन वॉज ब्लोन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एयर, अस्ट्रॉन्ग एयर। हाँ, अमित कुमार, आई एम रेडी सर, से डेली इंग्लिश क्लास कब से चलता है, चलो सभी लोग बनाना। माई रिवन वॉज ब्लोन ऑफ एयर, फर्स्ट नंबरिंग देकर के आंसर देना सभी लोग, यहाँ पे क्या सही, करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करो, सेंटेंस करेक्ट करो, माई रिवन वॉज ब्लोन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एयर, सेंटेंस में करेक्ट करना है, माई रिवन वॉज ब्लोन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एयर, क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, क्या बोल रहे हो, हैव हैज, देखो माई रिवन, मेरा रिवन जो है ना ब्लोन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एयर, जो ब्लोन ऑफ उड़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एयर की ओर थोड़ी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एयर नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, जब ब्लोन ऑफ हो रहा है, रिवन उड़ रहा है, तो यहाँ पे विंड का प्रयोग हो जाएगा, विंड्स का प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग होगा, विंड का प्रयोग होगा, हवा का प्रयोग होगा, ठीक है ना, हवा का प्रयोग होगा, यानी एयर के जगह पे विंड का प्रयोग होगा, विंड यहाँ पे यूज होगा। चलो सेकंड नंबर, वेयर डू यू इंटेंड टू स्पेंड दिस विंटर वेकेशन, अब जो है कहाँ तुम लोग स्पेंड करने के लिए कोशिश कर रहे हो विंटर वेकेशन में, वो आपको बताना है, वेयर डू इंटेंड टू स्पेंड दिस विंटर वेकेशन, वैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन जब दिया हुआ रहेगा ना तो और आसानी से बना पाओगे, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, सबसे पहले से वो बनाना, सारा रूल रेगुलेशन हम लोग देख लिए तो अब बनाओ। चलो विंड हो जाएगा सर जी, हाँ बिल्कुल, हाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन बताना, वेकेशंस बोल रखा है जी, वेकेशंस मैं क्या बताया, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या बताया हूँ, जो आपको एक्सेप्शन वाला केस है, वेयर डू यू इंटेंड टू स्पेंड दियर विंटर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे वेकेशंस नहीं यूज होगा, वेकेशंस के जगह वेकेशन यूज होगा, एस यहाँ पे यूज नहीं होगा, यानी VACATION यूज होगा, वेयर डू यू इंटेंड टू स्पेंड दिज विंटर, विंटर वेकेशंस, ठीक है, ऑप्शन ये करो, बिल्कुल विंटर होगा, हाँ। चलो अगला है थर्ड नंबर, सी लाइव्स इन ए लेडीज हॉस्टल, सी लाइव्स इन ए लेडीज हॉस्टल, चलो बताना, सी लाइव्स इन ए लेडीज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल कौन सा होता है जी, मैन हॉस्टल, वोमेन हॉस्टल तो होता है, लेडीज हॉस्टल्स बताना, सेंटेंस को करेक्ट करो सभी लोग, सेंटेंस को सभी लोग करेक्ट करना, सी लिव्स इन ए लेडीज हॉस्टल्स, सी लिव्स इन ए लेडीज हॉस्टल्स, लेडीज के जगह पे यूज क्या हो जाएगा,
लेडीज है ना, तो यहाँ पे वुमेन हॉस्टल्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब वुमेन WOMEN हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वुमेन्स हो जाएगा, वुमेन्स हॉस्टल, सी लिव्स इन ए वुमेन्स हॉस्टल्स, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर बताना, मीरा इज ए लेडी डॉक्टर, मीरा जो है क्या है, लेडी डॉक्टर है, इसको करेक्ट सेंटेंस करो। चलो चलो बताना, मीरा इज ए लेडी डॉक्टर, मीरा क्या है, लेडी डॉक्टर, इसमें सेंटेंस सही या गलत है। मीरा इज ए लेडी डॉक्टर, मीरा इज ए लेडी डॉक्टर, बताना मीरा क्या है, लेडी डॉक्टर है। जब डॉक्टर बोल रखा है ना, ध्यान से सुनना, जब डॉक्टर बोल रखा है तो डॉक्टर के पहले लेडी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो है कॉमन जेंडर होता है, डॉक्टर क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। जेंडर वैसे पढ़ाया नहीं हूँ, चलो जेंडर स्पेशली मैं टाइम निकलेगा तो बता दूंगा। डॉक्टर के पहले यहाँ पे लेडीज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर क्या है आपका, कॉमन जेंडर है, डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, हम लोग का नया इंग्लिश टीचर कौन है, हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, सब लोग आंसर देना। लेडी यहां पे प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है, ठीक है। हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, सब लोग आंसर देना, हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। इस सेंटेंस को करेक्ट करो। वैसे यहां पे देखो, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव यहां पे दिया हुआ रहेगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि कहां पे क्या एरर है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया गया है। चलो बताना, हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, देखो हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, देखो यहाँ पे चेंजेज क्या होगा। सर मैथ का क्लास कब चलता है, मैथ का देखो शेड्यूल देख लिया करो बच्चे, सब शेड्यूल के अनुसार जो होता है चलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, यहाँ पे न्यू इंग्लिश टीचर नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग जो होगा न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, ये करेक्ट सेंटेंस ये हुआ, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि न्यू जो है टीचर को ज्यादा जोड़ दे रहा है, न्यू जो है किसको जोड़ दे रहा है, टीचर को जोड़ दे रहा है कि कौन है तुम्हारा नया नया कौन है, तो टीचर है, तो टीचर को ज्यादा जोड़ दे रहा है, यानी कहने का मतलब हु इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर नहीं होगा, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, ठीक है ना। चलो हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ से सेंटेंस ये एरर है, ये पार्ट में एरर है, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। चलो अगला बताना, वैसे यहाँ पे सर मैं चुपचाप देख रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं है सर, अरे एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है ना, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, वैसे ही इससे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्वेश्चन आपको दो तीन पार्ट में दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, और आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। हाँ, रचना यादव, हु इज आवर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको दो तीन पार्ट में, एक सेंटेंस को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर देगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, कोई पार्ट में एरर है, ठीक, कोई पार्ट में एरर नहीं है, ठीक है ना। सर इस सेशन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको ऐप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, 8544-6153-52 पे कॉल कर लो, ठीक है। हैव यू लर्न दिज पोएट्री, चलो बताना, हैव यू लर्न दिज पोएट्री, हैव यू लर्न दिज पोएट्री, हैव यू लर्न दिज पोएट्री, पोएट्री की जगह पोएम हो जाएगा, हैव यू लर्न दिज पोएम हो जाएगा, ठीक है, पोएट्री की जगह PO क्या हो जाएगा। हाँ, सभी का आ रहा है, हु इज आवर न्यू टीचर इंग्लिश, अंकिशा, इसी का, पूजा,
पूजा, प्रीति, आनंद भरद्वाज, हाँ सभी का आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवलो आंसर देना, बिल्कुल। यहाँ पे पोएम्स हो जाएगा, पी ओ ई एम एस हो जाएगा, पोएम्स हो जाएगा। द जज है, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए था, ओ शिट, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे एग्जाम्पल में तुम लोगों, मुझे भी लग रहा है समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सेंटेंस जब बड़ा रहेगा ना उसमें आपको किस पार्ट में एरर है, ऐसे करके पूछने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे करके पूछने में। चलो अगली जो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें जो एग्जाम्पल लूँगा ना उसमें आपको पार्ट बाई पार्ट करके इंक्लूड करूँगा, ठीक है ना, तभी जो है आपको जस्टिफाई कर पाओगे। द जज हैज नॉट इशू द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज, द जज हैज नॉट इशू द ऑर्डर, उसके पास कोई भी इशू ऑर्डर नहीं हुआ है रिलीज करने के लिए। तो इस सेंटेंस सही या गलत है, ये सेंटेंस सही या गलत है बताना। द जज हैज नॉट इशू द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज, ऑर्डर के स्थान पे ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर के स्थान पे ऑर्डर्स हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सिक्योर पासिंग मार्क, क्या सेंटेंस सही है बताना। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सिक्योर पासिंग मार्क, ये सेंटेंस सही या गलत है, ये सेंटेंस सही या गलत है बताना। चलो अगली बार से जो है ना इसका जो है पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है ना, किस पार्ट में आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस पूरा एक ही में दे रखा है ना, जिससे तुम लोग कन्फ्यूज हो रहे हो कि सर किस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार जो है ना सेंटेंस को थोड़ा जो है पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। चलो बताना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सिक्योर पासिंग मार्क, बताना ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है बताना। पासिंग मार्क के स्थान पे पास मार्क होगा बच्चों, आपको पिछली क्लासेज में भी बहुत बार बताए थे, पिछली क्लासेज में भी बहुत बार बताए थे, पिछली क्लासेज में भी बहुत बार आपको बताए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सिक्योर पासिंग मार्क के जगह पास मार्क होगा, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन, अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन, क्या ये सेंटेंस सही है। अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन, हाँ बिल्कुल बताना, हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन, हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन, अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस के स्थान पर जो यूज होगा हैव, सॉरी हैज सर्विस होगा, हैज सर्विस के स्थान पर सर्विसेस हो जाएगा, सिंगुलर का प्लुरल, ठीक है ना, एस ई आर वी आई ई एस, अनफॉर्चुनेटली हैज सर्विस ब्रोकन डाउन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हैज ब्रोकन डाउन, अनफॉर्चुनेटली हैज हिज सर्विस, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख दूँ, क्लियर हो जाएगा। ये नाइन्थ वाला जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा ज़्यादा सही है, अनफॉर्चुनेटली, टी यू एन ए टी ई एल, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हैव सर्विस जो दिखा हुआ है ना, सर्विस और हैज के स्थान पर सर्विसेस और हैव हो जाएगा, यानी अनफॉर्चुनेटली हैव सर्विस, हैव सर्विस, अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विसेज, सर्विसेज हैज के जगह क्या हो जाएगा, हैव ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस हैव ब्रोकन डाउन हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हिज सर्विस हैज ब्रोकन डाउन है ना, हैज के जगह हैव ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। और बाकी ये जो है आज जो है सब कुछ सही था, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल जो थोड़ा सा आप लोग के लिए जो लाया गया है ना, एग्जाम्पल जो लाया गया है वो थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट करके रहता ना और भी मजा आता, पार्ट बाई पार्ट करके रहता तो, पार्ट बाई पार्ट करके रहता तो और मजा आता। बाकी जो है इसको बना लेना तुम लोग, 10 से 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, 10 से 15 तक आपका होमवर्क रहा, ठीक है, ये होमवर्क रहा, इसको बना करके सभी लोग, अभी तुरंत अपलोड करवा रहा हूँ एप्लीकेशन में, सभी लोग बना करके पेड ग्रुप के डिस्कशन में सेंड करना 10 से 15 तक, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो, ये जो नंबर दिख रहा है अभी क्लासेज इंड हुआ, ये नंबर पे कॉल करो, 8544-6153-52 पे, या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैसेज कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी 8 बजे, अभी आप लोग को 7 बज रहा है ना, 7:06, 8 बजे अभी जो है मैथ का क्लासेज होने वाला है, मैथ जो आपको छूटा हुआ था
जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 8 बजे सभी लोग लाइव आना, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं।